क्या करूं यार, अब 12th तो कर लिया, इसके बाद क्या करूं, किसको पूछूं। इंजीनियरिंग तो मुझे करना नहीं है, मैंने मैथ लिया था लेकिन मतलब का नहीं है। कौन है जो मुझे बताएगा, किसको पूछूं मैं फ़ोन करके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, अजय भाई को कॉल कर दो, अब वही कुछ बता पाएंगे। हेलो, हाँ अजय भाई। अरे यार मैं एकदम परेशान हो गया मैं आज, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, पता है आपकी अब गर्ल्स के बाद में क्या करूँ। अरे कुछ ऑप्शन दो यार, करियर गाइडलाइन दो यार। अच्छा आपकी पहचान में है, अच्छा इसका एजुकेशन, अच्छा, ठीक है ना, तो मैं कल ही विजिट करता हूँ। कहाँ पे है वैसे? तेलीबांधा में कहाँ पे? रिंग रोड में, लालबाग में। अच्छा ठीक है ना, तो कौन मिलेंगे वहाँ पे? अच्छा राज भैया, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार। एक्सक्यूज मैम, एडमिशन के लिए आया था मैं। आपका नाम? साहिल कुमार। और नंबर आपका? 9343-94-6060। मैम एक्चुअली डिसाइड तो किए थे, क्लास सर से मीटिंग थी हमारी। क्या कोर्स कॉलेज अंदर से? एक्चुअली सर मुझे कुछ समझ में आया था, मैं 12th मैथ्स के स्टूडेंट हूँ। अच्छा 12th में मैथ्स लिया हो? जी। कितना परसेंट बना मैथ्स में? 81% बना था सर। 81% जी। तो फिर क्या करना चाह रहे हो मैथ्स लिए, कुछ सोचे होंगे? एक्चुअली पहले मैं सोचा था कि मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करूंगा, बट मुझे उसमें कुछ स्कोप नहीं दिख पा रहा है, तो अभी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। अच्छा, तो आपने जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं जी, फॉर्म भरा है? हाँ मैंने सभी भरा था, मेरे एक दोस्त ने भरा था तो अजय करके, उन्होंने डाल दिया था। PG का भर दिया फॉर्म जी, PPST का उसका भी भर दिया करके, और PAT का उनका भी भर दिया ना फॉर्म। एक्चुअली बताइए मेरे को, देखिए क्या होता है जब कोई बच्चा 12वीं पढ़ता है मैथ्स ले बायो ले कुछ भी सब्जेक्ट ले जी, वो अपने लाइफ के लिए सोचता है कि 4 साल जब भी ग्रेजुएशन कोर्स करूँ जी तो मेरा लाइफ सेट हो जाए, है ना, चाहे जॉब हो बिजनेस हो जी। तो आप क्या देख रहे हो, जॉब देख रहे हो कि बिजनेस देख रहे हो आप? एक्चुअली सर मेरे इंटरेस्ट दोनों पे है, मुझे जॉब भी करना है और बिजनेस भी हो गया साथ में। अच्छा सर, जॉब भी देख रहे हैं प्लस बिजनेस भी देख रहा है जी, है ना। ये आपके ये भी स्टूडेंट है कि परिचित हैं? मेरे परिचित के हैं वो। देखो अब इंजीनियरिंग तो आप करना नहीं चाह रहे हो जी, है ना, इसको स्किप कर देते हैं जी, लगा देते हैं इसको। सबसे अच्छा काम आप ये किए हैं कि PPST का आपने फॉर्म भरा है जी। PPST इसको बोलते हैं प्री फार्मेसी टेस्ट, है ना जी।
फार्मेसी जो है दो प्रकार होता है। अच्छा, फार्मेसी आपका दो प्रकार होता है। पहला होता है, तो जैसे सर हम जैसे हम मैथ्स के स्टूडेंट है तो फार्मेसी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैथ्स बायो दोनों फार्मेसी कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन है ये। अच्छा, हाँ, तो फार्मेसी जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है बी फार्मेसी, ये डिग्री कोर्स, ये जो होता है 4 साल का होता है, है ना। और दूसरा होता है डी फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स होता है आपका, ये डिप्लोमा कहलाता है, है ना, और ये डिग्री कहलाता है। अब जो आप पूछे मेरे को कि जॉब भी करना है बिजनेस भी करना है, आप लोग कितने पे करेंगे? आप लोग हम लोग 3 भाई 1 बहन है। ठीक है, मैं आपको बेस्ट चीज बता रहा हूँ, अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं, 4 साल का कोर्स करते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहला आप मेडिकल खोल सकते हो, समझ गए, जो मेडिकल होता है ना, दवाई दवाई दुकान होते हैं, आप वो खोल सकते हो, उसका लाइसेंस मिलेगा। दूसरा आप जॉब कर सकते हो। अच्छा, तो ये डी फार्मेसी से? नहीं नहीं, बैचलर बैचलर। अच्छा, बैचलर, ये जो बैचलर डी फार्मेसी ना, जो 4 साल वाला कोर्स है उसके लिए, डिग्री कोर्स है उसके लिए, है ना। दूसरा जॉब कर सकते हो। तीसरा आप क्लिनिक खोल सकते हो, समझ गया, तो 3 काम कर सकते हो आप इसमें, मेडिकल डाल सकते हो, ये आपका हो गया बिजनेस पर्पस। जॉब आप खुद कर सकते हो, क्लिनिक पे आप किसी भी बिठा के अपना काम स्टार्ट करवा सकते हो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका जॉब बिजनेस प्लस जॉब जी, है ना। जॉब में आपको क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको, आप एमआर बन सकते हो। एमआर एमआर होता है मार्केट मार्केटिंग करता है जी, 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 ना, रिप्रेजेंटेटिव होता है। थोड़ा सा मुझे आइडिया है एमआर के बारे में जी। तो ये क्या है, ये प्राइवेट जॉब है। एमआर जो है प्राइवेट जॉब जी, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसमें फार्मेसी में, तो आप जो है ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसको बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। अच्छा, पता है आपको इसके बारे में? मुझे एक्चुअली उसके बारे में पता नहीं। मैं बता रहा हूँ, तो जैसे कि जितने भी मेडिकल हैं हमारे ब्लॉक के हिसाब से रहता है, हर ब्लॉक में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहता है। तो एक ब्लॉक में, जैसे आप कौन से ब्लॉक से हो आप? मैं एक्चुअली सर महासमुंद जिले के बागबारा ब्लॉक से हूँ। तो बागबारा ब्लॉक में जितने भी मेडिकल होंगे, मेडिकल स्टोर, जितने भी मेडिकल स्टोर होंगे उनका इंस्पेक्शन करते हैं हर महीने, चेक करेंगे कि लोग सही दवाई बेच रहे हैं कि फर्जी दवाई बेच रहे हैं, दवाई का एक्सपायरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंस्पेक्शन करने वाले क्या बोलते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग मतलब दवाई होता है, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षण करना, है ना। तो इसको ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं। इसकी सैलरी 44,000 से 45,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहती है गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, हाँ, इसके लिए फार्मेसी करना जरूरी है, समझ गए। तो ये गवर्नमेंट जॉब हो गया। प्राइवेट जॉब में क्या आ गया आपका? एमआर आ गया। उसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जिला चिकित्सालय है ना, हर जिला चिकित्सालय में अपना मेडिकल है, ठीक है। मेडिकल होने के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे दवाई, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं, ठीक है, तो उनको फ्री में दवाई मिलता है। लेकिन फ्री में दवाई मिल रहा है तो वहाँ देता कौन है? जो वहाँ पे मेडिकल जो जो फार्मेसी किए होते हैं ना, उन लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर कीपर। अच्छा, ठीक है, स्टोर कीपर। दूसरा फार्मासिस्ट, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, ये प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब स्कोप है बैचलर ऑफ फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा है। मैं बोलूंगा कि आप यही कोर्स करो। इसमें क्या है, तो सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं डी फार्मेसी करता हूँ तो मुझे डी फार्मेसी भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, सिर्फ बैचलर एक ही करना। आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। अच्छा, लेकिन क्या है, आप जस्ट 12वीं से निकले हो तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे? बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर जी, है ना, डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, आप करो बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा बता रहा हूँ आपको, आप जॉब करोगे, आपका लाइफ सेटल हो गया, आपका कोई और भाई है अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर है उसके लिए मेडिकल डाल दो। आप पढ़ोगे एक, लेकिन काम कितने लोग का आएगा? वो 3 लोग का। एक भाई क्या कर रहा है, मेडिकल बैठा है, आप एक जॉब कर रहे हो, एक भाई क्या कर रहा है, क्लिनिक संभाल रहा है, समझ गए जी। तो ये क्या होता है आपका, पढ़ाई आप किए, ठीक है, और काम किसको मिला? 3 लोग का। आज के डेट में ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है, है ना। अब पूछोगे इसमें कितना खर्चा आता है करके, जी सीधी सी बात है, न करवा तो कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा करते हैं जी सर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके लिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में फार्मेसी जितना भी होता है वो होता है CSVTU, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, है ना, इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिला हुआ है, UGC से मान्यता मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ हो या फिर कहीं भी कोई भी स्टेट हो, कहीं भी अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको PCI और UGC से मान्यता होना जरूरी है यूनिवर्सिटी का, है ना। तो ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पास मिलेगा गवर्नमेंट से मिलेगा जी, समझ गए। अब देखते हैं जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस हैं, सभी के कॉलेजेस के फीस 72,000 रुपया 1 साल का फीस है।
कितना है फीस? 72,000। हाँ हाँ 72,000 रुपये। 72,000 रुपये आपको एक साल का फीस पड़ेगा। कोर्स कितने साल का है? 4 साल। 4 साल। तो ये क्या हो गया? 7,64, 288,000 रुपये आपको पूरे 4 साल का पड़ेगा फीस, पूरे 4 साल। लेकिन गवर्नमेंट का जो फीस है वो, हाँ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट कॉलेज है उसका फीस है। लेकिन आप बोलोगे सर तो मैं कॉलेज जाने से भी मेरे कितना पड़ेगा, ये भी बात आएगा आपको, है ना? तो मैं आपके पास क्यों आऊँ? जी उसी के लिए हम आपको बुलाया गया है कि आपको जो भी आपको सजेस्ट किया है ना कि आप इनसे अगर पूछ लीजिए, ये आपको सही जवाब देंगे, सही चीज़ बता पाएंगे। जी इसलिए उन्होंने बताया मुझे कि आपके यहाँ से अच्छी करियर का है, हाँ तो इसीलिए आए हैं। तो अब देखिए आपको कितना लग रहा है 4 साल का? 288,000। जी अब भी आपको हर साल 72,000 रुपये दे पाना थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है सर? तो इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप बेस होता है, जो भी फार्मेसी करते हैं उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देता है। अच्छा। हर हर साल। तो उस स्कॉलरशिप बेस में हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी। सर मैं एक्चुअली ओबीसी से भी हूं। हां तो ओबीसी मिले और पैरेंट गवर्नमेंट स्टूडेंट को नहीं मिला? नहीं नहीं मिला, किसानी खेती किसानी करना चाहिए, बस गवर्नमेंट स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, पिताजी माताजी कोई भी रहे, है ना? तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, छत्तीसगढ़ सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी, ST SC OBC। तो आप ओबीसी मानते हैं जी, जाति है आपके पास, निवास है आपके पास, है ना? तो अब देखिए ये जो 288,000 रुपये जो लगना है पूरे 4 साल में, वो कितना लगेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 रुपये, और इसको भी आपको किस्त में देना है, हर 6-6 महीने में देना है। एक साल का टोटल है हमारा 4 साल का, 4 साल। इसको कैसे देना है? 20,000 पहला सेमेस्टर, सेमेस्टर जो था 6-6 महीने में देना है। जी जी हर 6 महीने में आपको 20,000 रुपये देना है, फिर 20,000 थर्ड सेमेस्टर, फिर 20,000 आपका फोर्थ सेमेस्टर, मतलब जो 1,60,000 है 4 साल में डिवाइड हो जाएगा। हाँ 4 साल में हर 6-6 महीने में देना है। अच्छा ये पांचवा सेमेस्टर 20,000, छठवां सेमेस्टर 20,000, सातवां सेमेस्टर और 20,000 ये आपका आठवां सेमेस्टर, है ना? ये हो गया 1 साल, ये हो गया 2 साल, ये हो गया 3 साल, ये हो गया 4 साल। जी ये आपका कोर्स कंप्लीट टोटल 1,60,000 रुपये में। तो इतने आसान किस्तों में तो कोई भी पढ़ा सकता है, है ना? जी जी बिल्कुल सर। तो इसके लिए कुछ एग्जाम वगैरह कंडक्ट करते हैं? नहीं जो PhD का फॉर्म रहेगा ना उसी का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अच्छा हाँ फिर आपके यहाँ उसके बाद हमारे यहाँ क्या करिए सीट बुक करवा लीजिए। अच्छा सीट बुक कराएंगे तो आपका हम लोग 100% सीट कन्फर्म कर देंगे, एग्जाम दिखाएंगे, आपका एडमिशन डन हो गया। तो आपके यहाँ से सर जैसे ऑनलाइन वगैरह भी? हाँ आप हमारा वेबसाइट विजिट करिए, इसका आप और जानकारी चाहिए हमारे वेबसाइट में जाकर आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर। आपके यहाँ से एक्चुअली मेरे दोस्त ने बताया था मुझे कि आपके यहाँ से अच्छे करियर का चांस मिल सकते हो। हाँ मैंने विजिट किया तो मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि सही में अच्छे से करियर का चांस मिल सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से कोई समझाने वाला नहीं समझा पा। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को वहाँ तक जानकारी नहीं पहुँच पा रहा है, जी वो चीज़ें हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, जैसे आपके भी और भी फ्रेंड होंगे, जी दोस्त भी आगे परिवार में, तो आप उनको भी सजेस्ट करिए, है ना? अगर अच्छा लगा तो कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, जानकारी तो हम दे ही रहे हैं आपको। एक्चुअली क्या सर समझ में ही दिक्कत होती है, जैसे रूरल क्षेत्र में जो भी रहता है उनको समझ में नहीं आता कि ट्वेल्थ के बाद में क्या करना है, इस टाइप से करियर करने मिले तो वो आगे बढ़ सकते हैं। मेन क्या होता है जानकारी के अभाव में ही पीछे रह जाते हैं, फिर क्या करें, BA BSc BCom कर रही है, बस वही फिर MSc कर रही है, फिर BEd कर रहे हैं, फिर शिक्षा कर्म की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ ऐसी बीत गया, आपको कोई जॉब मिला ही नहीं, 8-10 हज़ार परेशान हो, फिर शादी करने का नौबत आ गया, जी वही बात, फिर तो बेरोजगार हो गए ना। तो ऐसा कोर्स सेलेक्ट करो जिसमें कम से कम आपका अर्निंग हो, आपका जीवन यापन करने के लिए आपके पास पैसा आ जाए। तो आपके यहाँ इसके अलावा क्या क्या कोर्स होता है सर? कोर्स हमारे यहाँ और भी, और आपको अपना कॉम्पिटर दिखाता हूँ आपको, जी है ना? देखिए ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, MBBS, BMS, DNYS, PHMS, BDS, ये सारे कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा हाँ तो इसको आप रख लीजिए जी, है ना? बाकी और भी कुछ डाउट हो रहा पूछ सकते हो जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी। थैंक यू सर।